मोकामा में रुद्र महायज्ञ हुआ शुरू। कलश यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त वासुकी। आज मोकामा में उस समय अद्भुत नज़ारा देखने को मिला जब मोकामा के तपस्वी स्थान से कमलेश्वर स्थान के लिए कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालु माथे पर कलश रखकर हुए शामिल। बाजे गाजे के साथ आगे आगे हाथी और घोड़े का विशाल जुलूस चल रहा था। जिसने भी इस जुलूस को देखा दांतों तले उंगलियां दबाई। इस जुलूस यात्रा में हुए शामिल श्रद्धालुओं के सेवा के लिए जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए। मोकामा तेराहा पर नगर परिषद के नव निर्वाचित उप सभापति श्रीमती नीतू देवी, प्रतिनिधि कन्हैया जी सहित सैकड़ों लोग श्रद्धालुओं को पानी, नींबू पानी और अन्य पेयजलों से हाइड्रेट कर रहे थे। मोकामा के न्यू करोली इंटरप्राइजेस के द्वारा लोगों को हाइड्रेट करने के लिए पेय पदार्थ दिए जा रहे थे। जब बाजार से यह काफिला निकला तो देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए जब दर्जन भर की संख्या में हाथी और घोड़े आगे आगे जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। ज्ञात हो कि मोकामा के कमलेश्वर स्थान में यह यज्ञ 6 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक होने जा रहा है। रुद्र महायज्ञ सप्त दिवसीय का आयोजन 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच किया जा रहा है। इस रुद्र महायज्ञ के प्राण प्रतिष्ठा में काशी विश्वनाथ धाम के प्रधान आचार्य पंडित श्रीकांत मिश्र होंगे। 9 फरवरी को आचार्य किशोर कुणाल भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने मोकामा पहुंच रहे हैं। इस यज्ञ की तैयारी को लेकर मोकामा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं। लगभग एक महीने से यज्ञ स्थल पर नगर परिषद के JCB द्वारा यज्ञ स्थल को समतल बनाया जा रहा था ताकि वहां श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। यज्ञ परिसर में अद्भुत बाजार सजाया गया है। बच्चों के लिए झूले और कई अन्य तरह के संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको भागवत कथा के दौरान मनोरंजन भी प्रदान करें। रुद्र महायज्ञ हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है जो शिव के पूजन के लिए किया जाता है। यह उत्सव शिव के पूजन, हवन, संपूजन और धार्मिक गीतों के से मनाया जाता है। इस यज्ञ के होने से उस शहर में कई तरह की पुण्य होते हैं। महायज्ञ के दौरान पूजन, हवन, धार्मिक गीतों की गाने और मनोकामनाओं से संपादन से पृथ्वी को आत्मविवर्धन मिलता है। महायज्ञ के दौरान किए जाने वाले पूजन, हवन और धार्मिक कथाओं से व्यक्ति के पापों को दूर करने में भी मदद मिलती है। रुद्र महायज्ञ के दौरान ही 10 फरवरी को बाबा कमलेश्वर के शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा भी किया जाना है। मोकामा में श्रद्धालु यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुँच गए। मोदिया टोला, सतरबार टोला, चिंतामन चौक, भरामन टोला के घरों में उनके रिश्तेदारों का कल से भागवत कथा का आयोजन भी होगा, जिसमें संभावना है कम से कम 5,000 श्रद्धालु रोज भागवत कथा का श्रवण करें। मोकामा धीरे धीरे धार्मिक नगरी बनती जा रही है। पिछले बार भी बाबा परशुराम स्थान के प्रांगण में महायज्ञ का आयोजन हुआ था तो बिहार में 30,000 से श्रद्धालु इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए पहुंचे थे। पिछले साल से ही बिहार सरकार ने बाबा परशुराम के महायज्ञ को राजकीय मेला भी घोषित किया था। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। और आगे भी देखते रहें कि मोकामा के यज्ञ स्थल पर पहुंचने वाली कलश यात्रा का अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत रूप।
Thank you.
एक किलोमीटर क्या है? 1500 किलोमीटर। ड्यूटी है ये। अरे सबके ड्यूटी है थोड़े।